नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे इस वक्त की खबर लेकर आ रहे हैं गुरुग्राम से, जहां गुरुग्राम सीएमओ ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और काफी अच्छा कदम उठाया उन बीमारियों के लिए जो कि ना कि छूने से फैलती है ना बातचीत से फैलती है, जैसे कि डायबिटीज, शुगर, ऐसी अन्य बीमारियों के लिए एक स्क्रीनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करवाया गया। जो बताया जा रहा है दौलताबाद पीएससी सेंटर में ये स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये पूरी रिपोर्ट। आज दौलताबाद में जो है आने का मुख्य पर्पज ये था कि हर हेल्थ फैसिलिटी में हमने एक प्रोफाइल की सीट क्रिएट करी है, जिससे ये पता चल सकता है कि उस पर्टिकुलर पीएचसी या सीएचसी, चाहे अर्बन पीएचसी हो चाहे रूरल पीएचसी हो, उसमें कितनी पॉपुलेशन में डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, कैंसर हो या एनसीडी की कोई भी डिजीज़ हो, उनकी क्या परसेंटेज है, सो दैट के उस एरिया के लोगों को ना केवल ये पता रहे कि उसके एरिया में कौन सी डिजीज़ ज़्यादा प्रिवेलेंट है, और अकॉर्डिंगली वहाँ का मेडिकल ऑफिसर या वहाँ के लोकल एसएमओज या वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, चाहे वो पार्षद हों चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, वो इस चीज़ में जान सकें। जैसे सपोज करिए सीओपीडी की संख्या ज़्यादा है तो क्या प्रदूषण है या टोबैको का यूज़ है, अकॉर्डिंगली उस डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करके एमओ या हमारा विभाग या हमारा डिप्टी सीएमओ उस पर काम कर सके। दौलताबाद ऐसा पहला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें ये हेल्थ फैसिलिटी सीट जो प्रोफाइल जो सीट है वो बनाई गई है, जो डायनेमिक है, जिसको आप प्रतिदिन चाहें तो चेंज कर सकते हैं या आप वंस वीक या फोर्टनाइटली जब भी आप सर्वे करेंगे या मंथ में सर्वे करें आप इसको अपडेट कर सकते हैं। सर, तो आगे आने वाले समय में और हेल्थ फैसिलिटीज़ अलग अलग जगह पे, सभी हेल्थ फैसिलिटीज़ में ये प्रोफाइल शीट जो है ये लगाई जाएगी। दौलताबाद आज गुरुग्राम का पहला ना केवल पीएचसी बना बल्कि प्रदेश की पहली ऐसी पीएचसी है जिसमें डायनेमिक प्रोफाइल शीट लगाई गई है। तो हम इस प्रोग्राम के बारे में बताइए, और मैम आप डॉक्टर एज अ पोस्ट क्या है? आई एम डॉक्टर ईशन आरंग, आई एम डिप्टी सिविल सर्जन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, आई एम लुकिंग आफ्टर दिस प्रोग्राम बेसिकली। सो दिस एनसीडी हेल्थ प्रोफाइल, जो हमारी फैसिलिटी हेल्थ प्रोफाइल है, ये आज सबसे पहले हमने दौलताबाद में स्टार्ट करी है। इनफैक्ट गुरुग्राम में नहीं, ये पूरे हरियाणा में एक डायनेमिक जो प्रोफाइल है, जो हम कंटिन्यूस प्रोसेस है, बीपी, शुगर और ओरल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनका जो हम रेगुलर अपडेशन ऑफ द डाटा होगा, जैसा कि सिविल सर्जन सर डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने बताया, या तो फोर्टनाइटली या फिर मंथली हम जो इसको अपडेट किया करेंगे। दो जो फैसिलिटी हेल्थ प्रोफाइल है, एक या दो डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हो चुकी है, बट दे हैव द फिक्स्ड फैसिलिटी, बट दिस इज द डायनेमिक वन, वी कैन चेंज द डाटा एंड वी कैन अपडेट इट। तो मैम आने वाले टाइम पे ऐसे और प्रोग्राम्स होंगे जहां हम जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए गुरुग्राम के? या एक्चुअली आई एम लुकिंग आफ्टर मल्टीपल प्रोग्राम्स, द वन इज द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, बेसिकली इट इज NPCDCS, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज एंड द स्ट्रोक एंड डायबिटीज, एंड देन आई एम लुकिंग आफ्टर द RBSK प्रोग्राम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम एंड द NPCB प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। वी रेगुलरली कंडक्ट द प्रोग्राम्स फॉर द पब्लिक अवेयरनेस एंड वी गो टुवर्ड्स द, आई मीन वी गो इन द पब्लिक एंड डू द स्क्रीनिंग कैंप्स ऑल्सो, एंड देन हमारे पास ऐसी फैसिलिटी है थ्रू DIC ऑल्सो। DIC मीन्स डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, जहाँ पे हमारे पास अगर बच्चे आते हैं बर्थ डिफेक्ट्स के, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी सर्जरीज अपनी फैसिलिटीज में कराते हैं जो हमारे एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं। तो ये थी हमारी स्वास्थ्य विभाग की आज रिपोर्ट, और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।